वेलकम टू द चैनल 22 एडमिन अभी और अपने हम CDS 2023 CDS 2 की सॉल्यूशन की सीरीज में एक क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सॉल्व कर रहे हैं, तो इन्हें देखिए क्या कहते हैं। सी क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। तो इसे हम कैसे लिख दें? इसे हम लिख सकते हैं कि देखिए, ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख दो, के लिख दो, कोई कॉन्स्टेंट ले लो, के इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से कैसे निकलेगा भाई? दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। इसको देखिए अब ये क्या होगा, इसको खोल देते हैं यहीं पे, इसको के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टू ए बी, राइट। अब ये ए स्क्वायर वगैरह सब इस तरफ जाते हैं, टू ए बी को इस तरफ भेज देंगे, राइट। और ये के स्क्वायर वगैरह इस तरफ जाइए, क्यों कर रहे, ताकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक ये चीज है प्लस के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये धरा जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू टू ए बी, उधर का माइनस और माइनस दोनों में माइनस साइन कॉमन है, माइनस ऑफ टू ए बी, माइनस टू ए बी कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन, राइट। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन हटा दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, खैर उससे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए बी के स्क्वायर प्लस वन। खैर इतना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? तो भाई ये प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है यहाँ पे, टू ए बी के, ठीक है, या के स्क्वायर प्लस वन के, ये दोनों टर्म्स नहीं, वो बोल रहा ए बी के प्रोपोर्शनल टू ए बी। हाँ ये टू तो कॉन्स्टेंट ही है ना, तो ए बी है, तो हाँ ये फर्स्ट वाला सही है, ये ए बी के प्रोपोर्शनल है, तो ये करेक्ट हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सेकेंड कंडीशन क्या बता रहा है, अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज डायरेक्टली, मतलब लिख देते हैं हम इसे, ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। इसे क्या कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, दोनों तरफ माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए ऐड, माइनस बी स्क्वायर इधर भी माइनस बी स्क्वायर। हमें देखिए क्या मिलता है, हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन, इंटू ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आया, ये हुआ बी स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस वन के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दिया हुआ है दोबारा ए बी, ए बी तो नहीं है भाई, ये बी स्क्वायर है, तो सेकेंड वाला हो गया फॉल्स, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका चॉइस नंबर ए, वन ओनली, सिर्फ वन सही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि इफ ये कुछ इंटू ये चीज इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है, तो कौन सा सही है इनमें से? अब देखिए इन सब में आपको कुछ देख रहा होगा, इसको पहले आराम से लिखिए, 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d इंटू 3a माइनस 6b माइनस c प्लस 2d। इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या ध्यान दिया कीजिए, a b c d ऑर्डर में लिखें ताकि कुछ हमें दिखे, इज इक्वल टू 3a माइनस 6b प्लस c माइनस 2d इंटू 3a प्लस 6b माइनस c माइनस 2d, ठीक है, ये चार चीजें। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, अगर हम इसे देखें 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b इसमें भी है इसमें भी है, इसमें प्लस ये हो रहा है और इस वाले में माइनस हो रहा है इस वाले में, राइट। तो अगर इसे उसके नीचे भेज दें, इसे उसके नीचे भेज देंगे तो ऑब्वियसली इस वाले को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले को हम इसके नीचे भेजेंगे दूसरे के। तो देखते हैं, लिखते हैं क्या आएगा, हमारा 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस टू डी, इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इसमें कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि क्या ध्यान देना है, अपॉन
थ्री ए प्लस सिक्स बी माइनस सी प्लस टू डी, है ना, ये आ गया इज इक्वल टू। जैसे ये दिख रहा आपको दिखेगा भाई ये तो कुछ कुछ प्लस कुछ अपॉन कुछ माइनस कुछ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला फंडा हो रहा है यहाँ पे। खैर अगला भी देखते हैं, अगला ये है थ्री ए माइनस सिक्स बी प्लस सी माइनस टू डी, ठीक है, और थ्री ए माइनस सिक्स बी। अब प्लस के बदले यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये जब इसके नीचे आएगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख देंगे सी माइनस टू डी, है ना, वही टर्म बन गया। तो इसमें क्या है देखिए, अब आप कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का रूल लिख याद रखना पड़ेगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बेसिकली कैसे याद रखें कि भाई ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, वैसे रिवर्स भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिए जो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ये चीज है, तो अगर ये है तो इससे कन्वर्स भी तो है उल्टा, तो इसमें ए क्या है, ए टर्म हो गया आपको थ्री ए प्लस सिक्स बी, तो इसका मतलब थ्री ए प्लस सिक्स बी अपॉन बी वाला टर्म, बी वाला क्या हो गया सी प्लस टू डी, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी कुछ प्लस माइनस है, इधर है थ्री ए माइनस सिक्स बी, दोबारा सी ये वाला सी टर्म हो गया अपॉन डी टर्म है सी माइनस टू डी, ठीक है, ये दो चीजें हो गई आपकी। अब इसमें दोबारा देखिए कि कुछ हो रहा है हमारे के, कुछ कॉमन वॉमन कुछ मिल पा रहा है हमें, देखिए थ्री ए प्लस सिक्स बी अगर इसको उधर भेज दें और इसको इधर भेज दें एक्सचेंज कर दें, हमारा क्या बन जाएगा थ्री ए प्लस सिक्स बी अपॉन थ्री ए माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू सी प्लस टू डी अपॉन सी माइनस टू डी। दोबारा ये देखिए कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, ये इसकी एप्लीकेशन हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, ए टर्म ए अपॉन बी, बी क्या है सिक्स बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, सी वाला क्या होगा ये मतलब फोर्थ वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म सी होगा, फोर्थ वाला टर्म होगा टू डी, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, थ्री वन थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, और यहाँ से टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी ऊपर गया बी यहाँ से ऊपर गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है आपका सी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके सो बच्चों इसको देखिए, हाँ इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें आप दोबारा कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाएंगे तब भी निकल के यही आ जाएगा, इसका डबल या ट्राइस या कुछ आ जाएगा, ठीक है, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो दोबारा ही आएगा, उससे अच्छा आप कन्वर्स याद रख सकते हैं कि इससे ये निकला और इससे ये निकल रहा है। ओके तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ आए हो, और पिछले कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, हर एक सॉल्यूशन में कोई ना कोई कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, मैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी समझाता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर आपको समझ में आया हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड से अपने दोस्तों से, ताकि आप सब मिलके पढ़ें, मिलकर ऊपर बढ़ें, ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।